Let's see the exercise 2.2, question number 5. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? Two numbers की ratio हमारे पास कितने हैं? 5:3. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Given ratio of two numbers कितने हैं? 5:3. तो यहाँ लेट कर लेंगे. फर्स्ट नंबर हमारा होगा 5x, सेकेंड नंबर 3x. अब उनका डिफरेंस कितना है? 18. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18. 5x माइनस 3x 2x, 2x इज इक्वल टू 18. देन x इज इक्वल टू 18 और ये जो 2 है नीचे आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. हमारा फर्स्ट नंबर आएगा 5x, x की वैल्यू है हमारे पास 9, 5 × 9 = 45. सेकेंड नंबर आएगा हमारा 3x, 3 × 9 = 27. तो फर्स्ट नंबर 45 और सेकेंड नंबर 27. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा. 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? पहले देखो बच्चों, ये कंसेक्यूटिव मतलब होता है हमारे पास जो कॉन्टिन्यू नंबर होते हैं, जैसे 1, 1+1, 2, 1+2, 3, 1+3, 4, जिनमें देखो कोई गैप नहीं होता, 1, 2, 3, 4. तो अगर हम एक नंबर को एक्सलेट करें तो दूसरा नंबर x प्लस 1 और तीसरा नंबर x प्लस 2 हो जाता है हमारा, ठीक है. अब वो कह रहे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51. तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा? x प्लस 1. और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम उनको एड करते हैं तो कितना आएगा? 51. फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 51. अब देखो x मतलब 1x, 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 1x + 1x, 2x, 2x + 1x, 3x, 1+2, 3, अब +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा. तो 3x = 51 - 3 = 48, ठीक है. 3x = 48, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 48 और इतनी नीचे आ गया, कटिंग कर दी हमने. x = 16, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 16. सेकेंड नंबर 16 + 1 = 17, क्योंकि x प्लस 1 था. और थर्ड नंबर क्या था? x + 2 = 16 + 2 = 18. अब हम चेक करें अपना आंसर, तीनों को प्लस करने पे क्या आया था हमारा? 16 + 17 + 18, तीनों को प्लस करने पे क्या आया था? 51. देखते हैं, 7 + 6 = 13, 33 + 18, 8 + 3 = 40, 51. देखो तीनों को प्लस करके 51 आ गया, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. अब कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कंटिन्यू नंबर्स होते हैं, अब यहाँ पे है मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन. ये 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है. अब हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, अभी x, x+1, x+2, x+3, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो लगातार नंबर्स होते हैं. अभी क्या कह रहे हैं? 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब उसमें 8 तो है ही है, उसके साथ और कौन सा नंबर है? देखो यहाँ पे 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4, ठीक है. तो 8 नंबर तो आएगा ही आएगा क्योंकि 8 मल्टीपल्स हैं. तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 8x, तो दूसरा कितना हो गया? 8 × x + 1. और तीसरा हो गया हमारा 8 × x + 2. तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर
एट एक्स, क्योंकि एट के मल्टीपल्स हैं, ये ध्यान रखना आपने। अगर यहाँ सेवन के मल्टीपल्स हों तो सेवन एक्स, सेवन एक्स प्लस वन, फिर सेवन इंटू एक्स प्लस टू, ऐसे हो जाएंगे। तो सेकेंड नंबर हो गया हमारा एट एक्स प्लस वन, और थर्ड नंबर हो गया एट इंटू एक्स प्लस टू, ठीक। और इनका सम कितना है, 888। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 888। अब इसमें या तो हम एट कॉमन ले लें सारों में से, ठीक है, या फिर ब्रैकेट के बाहर जो एट है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं, एट मल्टीप्लाई एस एक्स, एट एक्स प्लस एट वन जा एट, एट एक्स प्लस एट टू जा सिक्सटीन, एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर, एट प्लस सिक्सटीन कितना हो गया यहाँ पे 24। यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे, हाँ जी 20x प्लस 24, 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है, ये प्लस 24 उधर जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं, एट सिक्सटी फोर। अब इसको काट देते हैं, फोर के टेबल से कटेगा, फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर, फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर, अब सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, एक्स की वैल्यू आई हमारी 36। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, एट एक्स, एट इंटू 36, एट सिक्स या 48, एट थ्री या 24, 24 और 4, 28। सेकेंड नंबर एट इंटू एक्स प्लस वन, एट इंटू 36 प्लस वन, एट इंटू 37, थर्ड नंबर एट इंटू एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू है 36, 36 प्लस टू, एट इंटू 38, एट मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय टू, थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74। अब हमने क्या करना है, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड नंबर इज एक्स प्लस वन, थर्ड नंबर इज एक्स प्लस टू, ठीक है। थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब वो क्या कह रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री एंड फोर। हमने इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको थ्री से और इसको फोर से, एड अप टू 74। इन सबको एड करने पे हमें कितना मिलेगा, 74 मिलेगा। फाइंड दीज नंबर्स, तो अकॉर्डिंग देयर सम, इनका सम कितना हो जाएगा 74। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 74। टू एक्स, इसको सॉल्व करना है, थ्री मल्टीप्लाई एक्स, थ्री एक्स, थ्री इंटू वन थ्री, फोर इंटू एक्स फोर एक्स, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू जाए एट। अब एक्स वाले नंबर्स, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, थ्री प्लस एट। अब हमने x वाले सारे अलग कर लिए और 3 प्लस 8 अलग कर लिया, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 3 11। अभी प्लस 11 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 11। हमने x की वैल्यू निकालनी है,
ये 9 है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया, 9 7 जो 63, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे 7, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, 2x, 2 × 7 14, सेकेंड नंबर हमारा था 3 × x+1, x की वैल्यू आई हमारी 7, 7 + 1 8, 3 × 8 24, और थर्ड नंबर आ गया वो था हमारा 4 × x+2, तो 4 × x की वैल्यू है 7 7 + 2 9, 4 × 9 36, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट नंबर 14, सेकेंड नंबर 24 और थर्ड नंबर आ गया 36।